हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपको पहुंचती रहें, मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसे सुनिए। आपका भी सोचने का नजरिया बदल जाएगा। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भक्ति, पूजा पाठ, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही हैं और मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सबकी ही होगी, पर एक प्रभु के धाम, एक प्रभु के मोक्ष धाम में ले जाएगी और दूसरे 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसाएगी। तो प्रिय साथियों, इसको मैं आपको बहुत छोटे रूप में बताता हूं, सुनिएगा, बड़ी गौरता से सुनिएगा। इंसान का जन्म इस संसार में केवल 2 बार होता है। पहला जन्म इस कर्मलोक में, यानी इस मृत्यु लोक में, जहां मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है, अच्छे और बुरे कार्य करता है, जिससे पाप और पुण्य का प्रारब्ध बनता है। और दूसरा जन्म परलोक में, जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्गलोक में अपने कर्म भोगने के लिए चला जाता है, और जो बुरे कर्म करता है वह नरकलोक में अपने कर्म भोगने के लिए चला जाता है। नरकलोक और स्वर्गलोक सिर्फ कर्मों को भोगने की योनियां हैं, यहां प्रारब्ध नहीं बनता, यहां पाप पुण्य नहीं मिलता। उसके बाद 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य का पुनः जन्म होता है। जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है, कभी जन्म, कभी मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। लेकिन इंसान का नहीं, इंसान का जन्म तो केवल 2 बार होता है, एक इस मृत्यु लोक में और एक परलोक में, यम लोक में। ये जो 84 लाख योनियां है ना, ये क्या है?
सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, शेर, हाथी, चीता आदि आदि 84 लाख योनियां हैं, जिनमें जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु होती है। इस तरह जन्म जन्मांतर का यह चक्र चलता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। जन्म मरण के चक्र से कभी छुटकारा नहीं मिलता, कभी मोक्ष नहीं मिलता और कभी उसे शांति नहीं मिलती। जो ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, सत्संग तथा भजन करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, साधना और भक्ति करते हैं, सत्संग करता है, जो प्राणी अंत में यानी मृत्यु के अंतिम समय में खुद को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रभु में चला जाता है, प्रभु में समा जाता है और वह ईश्वर की बनाई गई माया, काम, वासना, प्रेम, लोभ, लालच, मोह आदि में नहीं पड़ता, तो वह सीधा प्रभु के चरणों में चला जाता है, प्रभु के धाम चला जाता है, अर्थात बैंकुक धाम चला जाता है। उसे इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। 84 लाख योनियां उसे नहीं भोगनी पड़ती, सीधा विधाता के चरणों में चला जाता है। मोक्ष धाम पहुंचकर वह देवत्व बन जाता है। उसको इस पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, तो इसलिए मेरे प्रिय साथियों, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ करें, दिन रात प्रभु में आस्था रखें और उनकी भक्ति में लीन रहें। मनुष्य का शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, ना कि 84 लाख योनियां भुगतने के लिए। और मोक्ष तभी मिलता है जब आप प्रभु के बताए रास्ते पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।